दोस्तों हाल ही में बहुत ही बड़ी बात निकल के आया है कि जर्मनी इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। चलिए दोस्तों आप ये जानिए कि आखिर जर्मनी को किस देश से खतरा है जो ये इजराइल से एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जर्मनी ने अपने आसमान को सुरक्षा के लिए एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का ऐलान कर दिया है। इस सिस्टम को इजरायली कंपनी इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। दोस्तों एरो 3 मिसाइल का ऑपरेशनल रेंज 2400 किलोमीटर है और यह परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर मारकर गिरा सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जर्मन ने रूस के खतरे को देखते हुए इजराइल से एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है। दोस्तों यह इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की एक हिस्सा है जो लंबी दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए इजराइल दावा करता है ये मेरा मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। और दोस्तों जर्मनी और इजराइल के बीच हुई डील की कीमत लगभग 4.3 बिलियन डॉलर है। दोस्तों अगर अपने भारतीय रुपए से कंपेयर करोगे भारतीय रुपए में यह राशि 35,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जर्मनी के साथ एरो 3 सौदा को इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी रक्षा बिक्री बताया जा रहा है। और जर्मनी ने इस मिसाइल को खरीदने का फैसला यूक्रेन में रूस के आक्रमण को देखते हुए किया है। जर्मनी चाहता है कि वह अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करे ताकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन और लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट कर जरूरत पड़ने पे मार गिराया जा सके। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पश्चिम देशों में अमेरिका सिवा छोड़ किसी भी देश के पास मजबूत और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसीलिए जर्मनी ने इजराइल से इस मिसाइल को लेने का प्लान बनाया है। ये बात तो आप समझ गए दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार है जिसका नाम सुन के अमेरिका भी डर जाता है। चलिए दोस्तों इन सभी हथियार के बारे में जान लीजिए। दोस्तों इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार है जिनके लिए पूरी दुनिया तरसती है। यहाँ तक दोस्तों अमेरिका चीन और पाकिस्तान भी डरता है इजराइल के इस हथियार से। इजराइल को भले ही छोटा देश कहा जाता है लेकिन इजराइल में जो हथियार बनता है उसका यूज पूरी दुनिया करता है। चलिए दोस्तों उन सभी हथियारों के बारे में जान लीजिए। पहला हथियार बाराक 8 मिसाइल। इस मिसाइल को जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों अपने लोगों के लिए, इजराइल भारत को खूबियों से भरा हुआ मिसाइल उपलब्ध कराता है। इजराइल इसी मिसाइल सबको बेचकर 1000 करोड़ से ज्यादा का सौदा भारत से कर लेता है। और दूसरा ELM 2238 स्टार। तो इस हथियार का खासियत है कि हवा और जमीन में दुश्मनों के हथियार को तुरंत पकड़ लेता है, इसीलिए इसे दुनिया में सबसे तेज राडारों में से एक माना जाता है। और तीसरा फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम। इस हथियार का खासियत बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी ये सिस्टम तुरंत दे देता है। और इजराइल इसी हथियार को भारत के साथ 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता पिछले वर्षों में कर चुका है। और अगला डर्बी मिसाइल। देखने में भले ही ये मिसाइल पतली हो पर लड़ाकू विमान में इस मिसाइल को खूब प्रयोग किया जाता है। हवा में विरोधियों को मुश्किल में डालने का काम ये मिसाइल करती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है इसे हवा में मार करने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक इस मिसाइल को माना जाता है। और अगला सर्चर। सर्चर को इजराइल का सबसे श्रेष्ठ मानव रहित विमान माना जाता है और ये पिछले साल ही इजराइल भारत को दिया है। और अगला स्पाइड और एंटी टैंक गाइडेड विपेन। वर्ष 1970 के दशक में स्पाइड और एंटी टैंक गाइडेड विपेन बनाया गया था। इस मिसाइल को एंटी टैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइल 5 फुट की होती है और इसे 15 सेकंड रिलोड होने में लगता है और इस मिसाइल से 30 सेकंड के भीतर फायर किया जा सकता है। दोस्तों यही मिसाइल सब इजराइल के पास है और इस मिसाइल सब के लिए पूरी दुनिया तरसती है। और इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान इन्हीं मिसाइल सब से बहुत ही ज्यादा डरता है। इसीलिए दोस्तों इजराइल से भी टक्कर लेने से पहले कोई भी देश 10 बार सोचता है, क्योंकि सभी देश को यह बात पता है कि इजराइल भी किसी से कम नहीं है। इसे आप इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे नीचे अवश्य रह दीजिएगा। मैं फैमिली देश विदेश के खबर सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।